रूस हमारा पारंपरिक मित्र और वहां की विक्ट्री डे परेड जिसकी अहमियत रूस के लिए बहुत बड़ी रहती है, इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता दिया गया था रूस की तरफ से। हालांकि प्रधानमंत्री जा नहीं पाए कोरोना के इस समय में जिस तरह का संकट चल रहा है, लेकिन उसी समय यह निश्चय कर लिया गया था कि ट्राई सर्विसेज यानी भारत की सेना के तीनों अंगों की एक कंटिंजेंट को भेजा जाएगा रूस उस परेड में, उस विक्ट्री डे परेड में हिस्सा लेने के लिए। यूं तो यूरोप में भी ये मनाया जाता है, लेकिन रूस हमेशा से एक अलग तारीख पर इसे मनाता आया है, क्योंकि उसके हिसाब से जो निर्णय होना था विश्व युद्ध का उस समय, उसकी तारीख, उसका अंजाम अलग तरीके से उसने निर्धारित किया था, इसलिए हमेशा हमेशा से वो अपनी तारीख को अलग रखता है जरा इससे। लेकिन इस बार रक्षा मंत्री का वहां पर होना, 3 दिन के दौरे पर वहां जाना, रूस के साथ उन तमाम हथियारों को लेकर भी बातचीत करना, चीन के साथ इस समय हमारा वो टकराव, रूस की तरफ से मित्रता का वही हाथ आगे बढ़ाया जाना, यहां तक कि यूएनएससी को लेकर स्थायी सदस्यता की बात कर देना, चीन के लिए बहुत बड़ा झटका है, जो कोशिश ये कर रहा है कि किसी तरीके से रूस उन हथियारों को भारत को न दे। लेकिन विक्ट्री डे परेड की शानदार तस्वीरें जो उस मित्रता पर एक बार फिर मुहर लगा रही है। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। तमाम बातचीत के बावजूद भारत और चीन के बीच जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वहां पर तनाव अपने चरम पर इस समय नजर आ रहा है। वैसे भी चीन अपनी तरफ से भले ही सकारात्मक रुख दिखाता है, लेकिन भारत बिल्कुल भी कोई चांस नहीं लेना चाहता। कई जानकार ऐसा मानते हैं कि इस तरह का टकराव 1962 में भी नजर आया था, जिसके बाद चीन ने अचानक आक्रमण बोल दिया था। वैसे मुश्किल लगता है कि जिस तरह की परिस्थितियों में इस समय चीन है, वो किसी भी तरीके से युद्ध लड़ना चाहता हो, लेकिन भारतीय सेना इस पूरी कोशिश में है और वो पूरा आकलन कर रही है कि चीन किस तरह की तैनाती करता है। और आपको भी ये समझ लेना जरूरी है कि भारत और चीन के बीच सैन्य मुकाबले में कौन कहां ठहर रहा है। सैनिकों के मामले में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्मी, 14 लाख से ज्यादा जवान, आधुनिक हथियारों से लैस, कुछ भी कर गुजरने का जज्बा। मगर मुकाबला दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी से, करीब 21 लाख से ज्यादा जवान, ये भी आधुनिक हथियारों से लैस, इनमें भी कुछ भी कर गुजरने का जज्बा। यानी मुकाबला कड़ा है, मगर यहाँ कुछ भी बताने से पहले हम आपको ये साफ कर देना चाहते हैं कि हमारा मकसद जंग को बढ़ावा देना कतई नहीं है। हम बस दुश्मन की ताकत और कमजोरी को बारीकी से समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सच्चाई से मुंह मोड़ लेने से सच्चाई बदल नहीं जाती, उसका सामना करना जरूरी है। चीन भले अपनी आर्मी के कसीदे पढ़े ना पढ़े, मगर वहां की मीडिया दुनिया के सामने अपनी सेना को ऐसे पेश करती है जैसे वो अजेय है। हालांकि हकीकत में ऐसा कतई नहीं है। कागज पर ड्रैगन सेना भले बड़ी हो, मगर ग्राउंड रियलिटी यानी सच्चाई कुछ और है। क्वांटिटी में भले ही चीन हमसे 20 हो, मगर क्वालिटी में वो हमारे सामने। आपको बता दें कि 1962 की जंग के बाद भारत और चीन के बीच कभी आमने सामने की जंग नहीं हुई। हालांकि इसके बाद कई बार भारतीय सेना की चीनी सैनिकों के साथ मुठभेड़ हुई, मगर जितने भी बार भारत चीन से भिड़ा है, उतनी बार हमारी सेना ने चीन की सेना को पीछे धकेला है, चाहे 1967 हो या 1975 या 80 के दशक के आखिरी सालों में। आपको बता दें कि 62 की जंग में भी अगर थोड़ी एहतियात बरती जाती तो उसमें भी चीन मुंह की खा सकता था। चीन दरअसल आमने सामने की जंग से ज्यादा प्रोपोगंडा वॉर में यकीन रखता है, क्योंकि चीन को पता है कि भारत से भिड़ने का मतलब अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर है, क्योंकि आज भी भारत चीन के लिए सबसे बड़ा बाजार है। बहरहाल अब आते हैं चीन और भारत की तुलना पर। कागज पर बात करें तो यकीनन भारत चीन के मुकाबले थोड़ा कम जरूर है, क्योंकि चीन की सेना का बजट पिछले 5 सालों में लगातार बढ़ा है। चीन का टारगेट अगला पीएलए पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को 2050 तक हर मामले में दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी बनाने का है।
भारत चीन पाकिस्तान का पिछले 5 साल से मिलिट्री खर्च का ग्राफ है। इसके मुताबिक चीन ने साल 2019 में अपनी सेना पर $261 बिलियन खर्च किए, जबकि भारत ने $71.1 बिलियन अपनी सेना पर खर्च किए हैं। जाहिर है चीन का आकार भारत से बड़ा है और उसके पास विदेशी पूंजी भी ज्यादा है। अब आते हैं दोनों मुल्कों की सैन्य ताकत पर, मगर उससे पहले ये जान लीजिए कि सेना के हथियारों के नंबर अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि कोई भी देश अपने हथियारों के आंकड़े जारी नहीं करता। जवानों की संख्या को छोड़कर बाकी आंकड़े आकलन पर ही होते हैं। ग्लोबल फायरआर्म के मुताबिक दुनिया में सबसे ज्यादा 14 लाख सक्रिय सैनिक और महज 5 लाख रिजर्व सैनिक चीन के पास हैं, जबकि भारत के 14 लाख सक्रिय सैनिक और देश में रिजर्व सैनिक की संख्या 21 लाख है। यानी कुल मिलिट्री स्ट्रेंथ की बात करें तो भारत के पास 34 लाख जबकि चीन के पास 27 लाख, यानी ड्रैगन सेना से 7 लाख ज्यादा सैनिक हमारे पास हैं। टैंक की बात करें तो भारत के पास 4,292 टैंक हैं जबकि चीन के पास 3,400 टैंक हैं। भारत के पास 8,672 बंद गाड़ियां हैं जबकि चीन के पास 33,000। तोपों की बात करें तो भारत के पास 5,067 हैं जबकि चीन के पास 9,726 तोपें हैं। भारत के पास 290 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी हैं, जबकि चीन के पास 1,710 हैं। रॉकेट आर्टिलरी की बात करें तो भारत के पास सिर्फ 266 हैं, जबकि चीन के पास 2,650 हैं। भारत के पास कुल 2,141 जंगी जहाज हैं, वहीं चीन के पास ये तादाद 3,444 है, जिसमें फाइटर एयरक्राफ्ट, मल्टी रोल एयरक्राफ्ट, अटैक एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर शामिल हैं। नेवी की बात करें तो इन आंकड़ों के बाद कुछ फैक्ट्स पर ध्यान देना जरूरी है। सबसे पहला ये कि लद्दाख के जिस गलवान रीजन में ये दोनों सेनाएं आमने सामने हैं, वो एरिया जंग के लिए बेहद मुश्किल है। पहाड़ी इलाका होने की वजह से वहां पर फिलहाल रोड नहीं है, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन यहां मुश्किल है। कुदरती बाधाएं चीन को भी उलझने से वहां रोक रही हैं। लेकिन इसके अलावा जो चीज चीन को पीछे धकेल सकती है वो है जंग का तजुर्बा, क्योंकि चीन ने आखिरी बार वियतनाम वॉर में जंग 1979 में लड़ी, यानी 40 साल पहले, मगर उसके बाद उसका कभी किसी से आमना सामना नहीं हुआ, जबकि भारत इस दरमियान कई जंग लड़ चुका है और जीत भी चुका है। हमने 1999 में करगिल जैसी मुश्किल आखिरी जंग लड़ी, यानी हमने 20 साल पहले ही आखिरी जंग लड़ी है। चीन को सिर्फ यहां नुकसान नहीं बल्कि भारत से भिड़ने का मतलब है चीन आर्थिक तौर पर टूट जाएगा, क्योंकि भारत के साथ उसका अरबों खरबों के व्यापारिक समझौते हैं जिन्हें एक एक करके भारत ने खत्म करना शुरू कर दिया है। दूसरी मुश्किल ये है कि कुछ देशों को छोड़कर दुनिया के कई बड़े देश कोरोना के मामले में चीन के खिलाफ पहले से ही गुस्से से भरे हुए हैं, जिनमें अमेरिका और यूरोपियन देशों के अलावा ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है। यानी अगर ये लोग भारत के साथ आ गए तो चीन को लेने के देने पड़ सकते हैं। मुनीश देवगन और सुप्रतिम बैनर्जी के साथ फर्रुख माभेदर, आज तक। एक अनुमान के मुताबिक चीन अपनी सेना पर सालाना $261 बिलियन खर्च करता है, एक बहुत बड़ी रकम है। इससे वो ट्रेनिंग उनका युद्धाभ्यास कराता है, हथियार अर्जित करता है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इसका जो अधिकतर पैसा वो कमाता है वो कहां से कमाता है, वो व्यापार से कमाता है और भारत का बाजार उसके लिए एक बहुत बड़ा बाजार है। हाँ, अब बॉयकॉट चाइना की बातें उठ रही हैं, लेकिन एक लंबा रास्ता अभी आगे है। क्या हम सच में चीनी प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट कर सकते हैं? क्या हम चीन पर आर्थिक तौर पर हमला कर सकते हैं? और क्या ये सच में मुमकिन है? आज से हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है, लोकल के लिए वोकल बनना है। न सिर्फ लोकल प्रोडक्ट्स खरीदने हैं बल्कि उनका गर्व से प्रचार भी करना है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा देश ऐसा कर सकता है। सोशल मीडिया पर देश की रणनीति तय नहीं होती, देश की दशा और दिशा तय होती है सरकार के फैसलों से। तो क्या पीएम मोदी वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत की बात करके चीन के बॉयकॉट की तरफ इशारा कर रहे हैं? इशारा इसलिए
क्योंकि सरकार के स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी बातें कहना कूटनीतिक तौर पर मुमकिन नहीं है। तो सवाल यह है कि क्या भारत चीन के प्रोडक्ट का इस्तेमाल बंद कर आत्मनिर्भर बन सकता है और चीन को आर्थिक तौर पर जवाब दे सकता है। सबसे पहले आपको बता दें कि दुनिया में भारत चीनी प्रोडक्ट और सर्विसेज का सबसे बड़ा आयातक है। इस आंकड़े को देखिए, करीब 70 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा हम चीनी प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं। सिर्फ करीब 17 बिलियन डॉलर का माल ही हम चीन को एक्सपोर्ट करते हैं, यानी अगर हम आयात और निर्यात को घटा दें तो पिछले 3 सालों में औसतन 55 बिलियन डॉलर का माल और सेवाएं हम चीन से लेते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि रोजमर्रा की जिंदगी में हम काफी हद तक चीनी उत्पादों और सेवाओं पर निर्भर करते हैं। इलेक्ट्रिकल्स, मोबाइल फोन, प्लास्टिक प्रोडक्ट, कार, सोलर सेल्स, दवाएं। भारत में इस्तेमाल होने वाले ज्यादातर स्मार्टफोन तो चीन के ही हैं और ये मार्केट 8 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा है। मसलन आप जो Xiaomi, Vivo, Oppo और Lenovo के मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहे हैं वो चीन का ही है। ऐसे ही ज्यादातर लैपटॉप और टीवी ब्रांड भी चीनी हैं। कुल मिलाकर देश में 60% से ज्यादा चीनी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स आयात किए जाते हैं। हम हिंदुस्तानी अपनी रोजमर्रा की चीजों के लिए जाने अनजाने चीनी प्रोडक्ट से घिरे हुए हैं। जिन मोबाइल से सोशल मीडिया पर बॉयकॉट चाइना के मैसेज किए जा रहे हैं उनमें से 60% से ज्यादा तो चीनी मोबाइल और लैपटॉप ही हैं, और कई प्रोडक्ट चीन से नहीं भी हैं तो उसमें लगा कोई ना कोई उपकरण चीन का जरूर होगा। इसकी वजह यह है कि आज के दौर में दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग के मामले में चीन का कोई मुकाबला नहीं। मसलन एप्पल मोबाइल फोन है भले अमेरिका का, मगर उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है चीन में। और तो और अपने मोबाइल फोन पर आप जो एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं वो भी ज्यादातर चीनी ही हैं। दुनिया में जज्बाती होकर दुश्मन देश के उत्पादों का बॉयकॉट करने की कई मिसालें हैं, मगर दुनिया में ऐसा कोई भी बॉयकॉट सफल नहीं हुआ। तो क्या सच में हमारे लिए इन चीनी उत्पादों से पिंड छुड़ाना इतना आसान है? फौरी तौर पर तो ये नामुमकिन सा लगता है, मगर हाँ, चरण दर चरण हम आत्मनिर्भर बनकर चीनी उत्पादों से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन इसके लिए भारत को पहले मैन्युफैक्चरिंग के लेवल पर बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी और फिर उत्पादों के लिए हमें महारत भी हासिल करनी होगी, वरना हमारे उत्पाद चीनी प्रोडक्ट के सामने टिक नहीं पाएंगे। और आखिर में बहुत मुमकिन है कि लोगों को उन्हीं उत्पादों के लिए ज्यादा कीमत चुकानी पड़े जो वो कम कीमत पर इस्तेमाल कर रहे हैं। जानकारों के मुताबिक मैन्युफैक्चरिंग के मामले में भारत और चीन में काफी फासला है। आत्मनिर्भर बनने के लिए सबसे पहले हमारी सरकार को इस फासले को कम करना होगा। लोकेंद्र सिंह और मुनीश देवगन के साथ फर्रुख मां भैदर, आज तक। 1962 से लेकर अब तक परिस्थितियां इतनी बदल चुकी हैं कि चीन को भी इस बात का पूरा पूरा एहसास है। एक वो समय था जब हमारे जवानों के पास वो हथियार नहीं होते थे, उपकरण नहीं होते थे, वो सुविधाएं नहीं होती थी। लेकिन आज की तारीख में हमारे सैनिकों की हिम्मत, उनके हौसले, उनके जज्बे, उनके शौर्य को साथ मिला है नवीनतम हथियारों का। ऐसे 5 हथियार जो चीन पर पड़ेंगे भारी, दिखाते हैं आपको। सीधे मुद्दे की बात पर आते हैं। चीन को चारों खाने चित करने के लिए भारत के पास एक नहीं 5-5 हथियार हैं। तो सबसे पहले पहला हथियार, चीन को उसी की जुबान में जवाब देने के लिए भारत को तिब्बत का मुद्दा न सिर्फ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बल्कि संयुक्त राष्ट्र में जोर शोर से उठाना चाहिए। और मौजूदा हालात में ये तय है कि अगर भारत ऐसा करता है तो न सिर्फ अमेरिका बल्कि कोरोना पीड़ित तमाम यूरोपीय देश उसके साथ खड़े होंगे। आपको बता दें कि चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर उसे अपनी सीमा में मिला रखा है और तिब्बत की गवर्नमेंट और तिब्बत के दलाई लामा भारत के हिमाचल प्रदेश से असाइलम में काम कर रही है। दूसरा हथियार, उइगर मुस्लिम। अगर भारत चीन के जिनजियांग में उइगर मुस्लिमों पर हो रहे सरकारी अत्याचार का मुद्दा उठाता है तो भी चीन फंस सकता है, क्योंकि उइगर मुस्लिमों के नरसंहार को लेकर पहले भी कई मानवाधिकार संस्थाएं चीन को कटघरे में खड़ा कर चुकी हैं। आपको बता दें कि 16.5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले जिनजियांग प्रांत में करीब 60% मुस्लिम आबादी है और ये आज से नहीं बल्कि 10वीं सदी से मुस्लिम प्रभावित क्षेत्र है। यहाँ की ज्यादातर आबादी मंगोल और तुर्की मूल के लोगों की है और यहाँ सदियों तक मुस्लिम शासन रहा है, मगर तिब्बत की तरह चीन ने इस इलाके को भी हड़प लिया। लेकिन मुस्लिम आबादी होने की वजह से जिनजियांग हमेशा से कमजोर नब्ज रहा है।
तीसरा हथियार बॉयकॉट चीन। भारत के साथ चीन सालाना 26 बिलियन डॉलर यानी करीब 2 लाख करोड़ का व्यापार करता है। देश की कई बड़ी कंपनियों में उसका पैसा लगा हुआ है। पिछले 6 सालों से मेक इन इंडिया मिशन के बावजूद देश में चीनी सामानों की खपत लगातार बढ़ी है। मोबाइल फोन से लेकर मेहंदी के कोन तक हम हर तरफ चीनी सामानों से घिरे हुए हैं। जाहिर है बॉयकॉट चीन तभी मुमकिन है जब देश के लोग नहीं बल्कि सरकार चीन के साथ अपने तमाम आर्थिक समझौतों को रद्द कर दे। अपने देश के साथ जुड़ती जमीनी सीमा के लिहाज से चीन ने तिब्बत और जिनजियांग पर कब्जा कर रखा है, मगर उसके साथ उसने उस ताइवान को भी अपने कब्जे में ले रखा है जिससे उसकी जमीनी तो नहीं समुद्री सीमा मिलती है। दक्षिणी चीन के समंदर में चीन अमेरिका की जंग में जो सबसे अहम किरदार है वो है वियतनाम। दोनों देशों के बीच इस टसल का फायदा भारत उठा सकता है आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।